हाल ही में जो संसद का सत्र हुआ उसमें भाजपा सरकार ने बहुत ही घिनौना काम कर भारत के जो रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले किसान हैं उनका गला घोंटने का काम किया है। एक ऐसा बिल लाके जिसमें किसानों की उपज कुछ चंद कंपनियों के हाथों में बिकवाने के लिए कानून बनाया, उसका पूरे भारतवर्ष में विरोध हो रहा है। हमारा इलाका पहले पंजाब में था, हमारे साथ लगता सूबा पंजाब में कई दिनों से पूरे किसान, सभी पार्टियों के किसान जो है वो सड़कों पे निकल के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के कान तक जू नहीं रहेगी। इन्होंने वो बिल पेश करके ज़बरदस्ती उस बिल को कानून बना दिया जिससे किसान जो है वो मर जाएगा। जो मक्की की फसल पिछले साल 2200 रुपये में बिकी, आज उसका रेट जो है वो 800-900 रुपये मंडी में कोई पूछ नहीं रहा है। और ये एक और कहते हैं कि हमने किसान को छूट दे दी कि वो अपनी फसल भारत की किसी भी मंडी में बेचे। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, भाजपा के नेताओं से, कि जब उन्होंने मंडियाँ ही ख़त्म कर दी, प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे दिया और जिस भंडारण स्टोर के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कानून बनाया था जिसमें उन्होंने वो ज़रूरी चीज़ें दाल, तिलहन, तेल, प्याज, इनको ज़रूरी चीज़ों की इसमें लिस्ट में लेके इनके भंडारण पे जो है वो रोक लगाई थी कि जो आदमी इसका भंडारण, इसका स्टोरेज करेगा उसके ऊपर FIR दर्ज होगी, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके चलते बड़े बड़े व्यापारी जो है इस कानून के डर से इन चीज़ों का भंडारण स्टोर नहीं करते थे और वस्तुओं की कीमतें जो है वो स्टेबल नॉर्मल रहती थी। फसल के टाइम में वो कंपनी है जैसे आज सेब की खरीदो फरोख्त जो है हिमाचल में आके पौने पौने धा पे वो भी हो रही है। इसी तरीके से हमारी फसलों के जिम्मेदारों को घर से लोग जो है कंपनियां अपनी मर्जी से छांट छांट के जो है वो फसल लेंगे, झराई करके फसल लेंगे, झरना लगा के फसल लेंगे और उसके बाद अनलिमिटेड तरीके से इसका भंडारण करके उसको औने पौने दामों पे लेके जब किसान को उसकी ज़रूरत होगी, जब किसान उनका उपभोक्ता तक वो चीज़ें जाएंगी तो उनके दाम जो है वो 10-20 गुना जो है वो हो जाएंगे, जिसका आज भारत का पेट पालने वाला अन्नदाता जो है उसको भारत सरकार ने गलियों पे ला दिया है। ये बड़ा शर्मनाक कानून है। पूरे भारत का किसान जो है, चाहे वो UP है, बिहार है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, हर जगह एक लहर चली हुई है। आज हमारे दून कांग्रेस के लोग जो हैं सभी पार्टियों किसानों को साथ लेके यहाँ पे आज हमने ये रैली, कम से कम 1000 किसानों ने इसमें भाग लिया जिसमें लगभग 100 ट्रैक्टर शामिल हुए और दून ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षता में मेरे नेतृत्व में ये रैली हमने बद्दी से लेके नालागढ़ चौक तक निकाली है। तो हमने इसका विरोध दर्ज किया है। मैं मांग करता हूँ भारत सरकार से कि इस बिल को जो है कानून को निरस्त करके नया कानून लाएं जिसमें पहले की तरह जो है लोगों को मंडियों में अपना रेट, अपना माल जो है बोली के माध्यम से बेचने का अधिकार जो है वो प्रदान करें ताकि हमारा अन्नदाता जो है उसकी जेब पर डाका ना डल सके। BJP ने बहुत सब कुछ बेचने का ठेका जो है वो ले लिया है। सारे सरकारी अदारे जो हैं वो बिकाऊ हैं, रेलवे को बेचने के लिए तैयार हैं, BSNL को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के जो एयरपोर्ट्स थे उनको बेच दिया है। मैं बात करना चाहूँगा स्वर्गीय वाजपेयी जी की, जिन्होंने एक बार कहा था कि जैसे घर का नालायक बेटा अपने पुरखों की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, बनाई हुई प्रॉपर्टी है उसको बेचता है, वो काम आज भारत सरकार कर रही है। बड़ा निंदनीय काम है। ये भारत सरकार के जो अदारे हैं इसमें भारत के एक एक आदमी का जो कतरे की कमाई जो है उसमें लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से
3000 करोड़ रुपए की जो मूर्ति पटेल साहब की बनाई। भारत की जनसंख्या 2018 के अनुसार 135.26 करोड़ है। अगर वो 3000 करोड़ रुपए भारत के हर उस जीव को दिए जाते, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, तो आप उसको तकसीम करिए तो 2,21,72,000 पे एक आदमी के जो है हिस्से आते हैं, तो भारत में गरीबी जो है दूर हो जाती। ऐसे ऐसे फैसले भारत सरकार ले रही है। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पहनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे, आपके वेलकम में 4 चांद लग जाएंगे, आएंगे तो पसंद करके ही जाएंगे। ट्रेंडिंग, आरामदायक और किफायती सूट, शेरवानी और ब्लेजर्स, द ब्लेजर्स मनोहर सिंह एंड सन्स, लोअर बाजार शिमला। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का माड़, फिर दाल का पानी, ध्यान से देख है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो, घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए